गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग? आप बोलिए कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो हियर इज़ अ पठान्स डॉटर एंड नाउ यू आर वाचिंग टू माय चैनल, सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, मैं आज लेकर आई हूँ ईद कलेक्शन जो कि मैंने खाड़ी ब्रांड से जो है वो परचेज़ की है। ये मेरी जो है फ्रॉक है, ठीक है जी। अब मैं ड्रेसेस तो मैंने काफ़ी जो है वो बाय किए हैं, बट डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को ईद कलेक्शन दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। सो ये जो है लाइनिंग का जो है ये फैब्रिक है, ठीक है जी। और ये 2-in-1 फ्रॉक है, ये मैं आपको भी बताऊँगी 2-in-1 कैसे है। और ये इसका फैब्रिक जो है थोड़ा मोटा फैब्रिक है, ये लोन पर नहीं है। और ये अंदर इसका प्रिंटेड इनर है, ठीक है जी। अब ये आप देख सकते हैं, ये फुल फ्रॉक है, फुल घेर है इसका, अच्छा खासा घेर है। साइड में से इसका कट है, ठीक है जी, बंद फ्रॉक नहीं है, साइड में से इसका कट है ताकि इसके नीचे जो पैंट ट्राउज़र है वो इजीली नज़र आ सके। साइड में से कट है, सेंटर में से ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ कट है, यहाँ साइड में से भी कट आ रहा है। सो ये वियर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रीटी सा ड्रेस लग रहा है। और गाइज़, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, इसके नीचे जो है वो स्टिच, ये जो है वो बिल्कुल स्टिच आउटफिट जो है वो मैंने परचेज़ किया था। ये इसका पैंट ट्राउज़र जिसे कहते हैं वो है, क्योंकि जो सिंपल ट्राउज़र होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सो पैंट ट्राउज़र मैं हमेशा वेयर करती हूँ। सो ये मैंने खाड़ी आउटलेट से परचेज़ किया था ये ड्रेस, ठीक है जी। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 2-in-1 किस तरह से है। अब इसको जो है हम बिल्कुल, ये इसका फ्रंट साइड है, ठीक है जी। वहाँ पर जो है डमी ने पहना हुआ था, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, सो जो है वो मैंने परचेज़ कर लिया। और जिसको भी ये ड्रेस पसंद है, सो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे इजीली इसके प्राइस मालूम कर सकते हैं। और इसका यह जो है ये बिल्कुल मैंने इसको उल्टा किया है, तो ये अंदर प्रिंटेड इसका इनर है। अब देखें, ये फ्रंट से इस तरह से इसको हम उल्टा करके पहन भी सकते हैं, सीधा करके भी पहन सकते हैं। ये बिल्कुल वही जो है वो बिल्कुल घेर वाली इजीली फ्रॉक है। ये देखें, यहाँ भी इसके जो है वो लटकन दिए हुए हैं, जिसे हैंगिंग पर्ट्स हम कहते हैं। यहाँ इसका उल्टा करके हम पहनेंगे तब भी दिए हुए हैं, सीधे में भी दिए हुए हैं। ये फुल प्रिंटेड यहाँ केरियाँ बन रही हैं, ये फुल प्रिंटेड फ्रॉक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कभी इसको सीधा करके पहन लो, कभी इस तरह उल्टा करके पहन लो। फुल चुने वगैरह दी हुई हैं, और ये बिल्कुल भी हमें उल्टा करने के बाद इस तरह से नहीं है कि हम उल्टा करेंगे तो हमारी जो है वो सिलाई नज़र आएगी, स्टिचेस नज़र आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जैसी बाहर से सिली हुई है वैसे ही ये अंदर से सिली हुई है, ये देख सकते हैं। मैंने दोनों तरह से इसको वियर करके देखा था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये फ्रॉक लग रही थी। अब आप ख़ुद इसको देख सकते हैं, ये 2-in-1 फ्रॉक उन्होंने जो है वो बनाई है, और कितनी खूबसूरत ये लग रही है। अब इसको आप इस तरह से भी पहन सकते हो, अगर इस तरह पहनने से आप बोर हो जाओ तो आप जो है वो इसके लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उस तरह से भी करके आप पहन सकते हो। अब ये देखें, मैं करीब से आपको दिखा ही रही हूँ, बिल्कुल ऐसी ही ये स्टिच हुई हुई है जैसे मैंने आपको फ्रंट साइड से इसको दिखाया था। ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब देखें, अब इसको मैंने फिर से सीधा कर दिया है, अब ये इस तरह से हो गई है। सो गाइज़, ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, ये बहुत ही अच्छी जो है वो फ्रॉक है। ये जो लॉन फैब्रिक पर नहीं है, ये फुल कॉटन फैब्रिक पर ये बनी हुई है। और इसका ट्राउज़र भी इसी तरह का है, एंड मैंने इसके ऊपर जो है वो दुपट्टा परचेज़ किया था। ये बिल्कुल डिज़ाइनर ड्रेसेस के ऊपर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कलर के दुपट्टे सूट करते हैं। सो मैं अपने जो है वो ड्रेसेस भी खुद डिज़ाइन करती हूँ, सो मुझे ये कलर जो है वो बहुत अच्छा लगा इसके ऊपर बिल्कुल। और इसको वियर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सूट कर रहा है। ऑरेंज के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, तो इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। सो गाइज, इसी तरह की ईद कलेक्शन मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसी टाइप के जो है वो मॉड टाइप के ड्रेस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, सेट एक एक्सलेंस के ऑफ योर सेल्फ एंड गिव माई वीडियो ह्यूज थम्स अप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।